नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमान जिलाधिकारी रामपुर के आदेश वार्ड संख्या डी। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। रामपुर पुलिस थाना टांडा के गांव दढ़ियाल में जिला पंचायत सदस्य जुल्फिकार की संपत्ति जब्त करने का ऐलान कर रही है। ये कार्यवाही पंचायत सदस्य जुल्फिकार हुसैन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में की जा रही है। दरअसल कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही यूपी पुलिस हरकत में आ गई है और उसने अब यूपी के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट बनाकर उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। रामपुर में गैंगस्टर जुल्फिकार फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य जुल्फिकार के पिता गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान के खिलाफ थाना टांडा में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि उसने अवैध खनन समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल होकर अवैध रूप से अर्जित कर जायदाद बनाई थी। नन्हे पहलवान की 21 नवंबर 2019 को मौत हो गई थी। मरने के बाद उसकी सारी चल और अचल जायदाद उसके वारिस पुत्र जिला पंचायत सदस्य जुल्फिकार हुसैन इस्तकार इकरार सालिम के नाम हो गई थी। आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई ये जायदाद करोड़ों की बताई जा रही है। गुलाम हुसैन की अपराध से अर्जित 6,80,20,000 की संपत्ति पर करने का आदेश पारित किया गया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस संपत्ति में कई भूखंड हैं, मकान हैं, स्टोन क्रेशर है, स्टोन क्रेशर के और भी असेट्स हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं तथा कुछ वाहन भी, जिनकी सबकी अलग अलग कीमतें जब एक साथ जोड़ी जा रही हैं तो ये 6,80,20,000 रुपए की संपत्ति है, जिसे जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया गया। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट।